तो कहानी की शुरुआत होती है और हम तोबी और जय को देखते हैं जो कि एक दीवार पर कुछ पेंट कर रहे होते हैं और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब तोबी अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी माँ उससे पहले ही सो गई होती है। तब तोबी भी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अब इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही जगह होती है जहाँ पर तोबी और जय ने पेंट किया था। अब यहाँ पर ये दोनों कपल रोमांस करने लगते हैं तभी उसकी वाइफ कुछ नोटिस करती है। अब जब वो आगे देखते हैं तो उन्हें तोबी और जय का किया हुआ पेंट आई कम पाई लिखा होता है और ऐसा देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। अब इसके बाद हमें हेक्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके यहाँ पर दो लड़के काम कर रहे होते हैं जिसमें एक जय भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जय हेक्टर के घर के अंदर चला जाता है लेकिन वहाँ पर उसके घर के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो छुपते छुपाते एक कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक डिवाइस रखी होती है जिसकी वो फोटो क्लिक कर लेता है जिसके बाद उस फोटो को वो तोबी को भेज देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है जिसको देखकर जय वहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हमें जय और नाच को दिखाया जाता है जो कि आपस में रिलेशनशिप में होते हैं। यहाँ पर जय नाच को हेक्टर का घर दिखाता है जो कि एक बहुत ही आलीशान महल होता है। इसके बाद वो तोबी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तोबी और जय बचपन से एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अब वो एक दूसरे के साथ ही डेंजरस मिशन करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर हेक्टर के उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि हेक्टर एक हाई कोर्ट का जज है। तब यहाँ पर जय तोबी को बताता है कि नाज प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनने के बाद तोबी बहुत खुश हो जाता है। तब यहाँ पर जय कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जय और तोबी ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारे मिशन को अंजाम दिया था, इसीलिए अब जय तोबी से पूछता है कि तुम अब मेरे साथ मिशन क्यों नहीं करना चाहते। तब जय बताता है कि ये मिशन बहुत ही खतरनाक है और इससे नाच को कोई खतरा ना हो, इसलिए जय वो काम करने से उसको मना कर देता है। अब हम रात के टाइम देखते हैं कि हेक्टर कहीं बाहर जा रहा होता है और उसके जाते ही तोबी उसके घर में घुस जाता है और उस घर के सीसीटीवी कैमरास को बंद कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसको अपने फोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद हेक्टर समझ जाता है कि जरूर उसके घर में कोई घुस आया है, जिसके बाद वो बहुत जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम तोबी को देखते हैं जो कि उसके घर में कुछ तस्वीरों को देख रहा होता है। इसके बाद वो एक सीक्रेट डोर के पास जाता है और जब उसके अंदर देखने लगता है तो वो काफी डर जाता है। इधर हम एक्टर को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच आता है और भागते हुए घर के अंदर जाने लगता है। इसके बाद वो अपने घर के चारों तरफ देखने लगता है लेकिन वहां उसके घर में उसे कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद वो अपने दोस्तों से कॉल पर बात करने लगता है और इसी दौरान तोबी उसके पीछे से उसके घर से बाहर निकल जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें नाज को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स को अपने प्रेगनेंसी की बात बता रही होती है, लेकिन उसके बारे में ऐसा जानने के बाद नाज के घर वाले उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद जय नाज को लेकर उसके साथ एक होटल में जाता है जो कि तोबी ने ही बुक किया था। अब इसके बाद तोबी जय को हेक्टर के सीक्रेट डोर के बारे में बताने लगता है लेकिन यहाँ पर जय उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से तोबी जय पर काफी गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर के घर पर अब पुलिस आई होती है जिसको देखने के बाद तोबी काफी डर जाता है। अब देखते हैं कि पुलिस हेक्टर के घर को अच्छे से चेक कर रही होती है जिसके बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद तोबी भी अपने घर पर आ जाता है। तभी वहां उसके पास उसकी मॉम आती है जो कि उसे चिकन क्लीन करने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन तोबी यहां से जाने लगता है लेकिन उसकी माँ उससे चाबियां ले लेती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से तोबी वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि बाहर जाने के लिए जैसे ही निकलता है तोबी उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अब की बार हेक्टर को उसके बारे में पता चल जाता है तो वो रिटर्न अपने घर की तरफ आने लगता है। अभी इधर हम तोबी को देखते हैं जो कि उस सीक्रेट डोर को आज खोल देता है जिसके अंदर उसे एक आदमी देखता है और वहाँ उस आदमी की हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। तब तोबी उस आदमी के पास जाकर कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, जिसके बाद तोबी उस आदमी को उठाकर वहां से जाने लगता है। तब उसे दूर से हेक्टर दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो वापस कमरे में आ जाता है और उसके पीछे पीछे हेक्टर भी आने लगता है, लेकिन तोबी एक अलमारी में छिप जाता है। लेकिन यहाँ पर वो हेक्टर को उस आदमी की तरफ जाते हुए देखता है। तब तोबी उस आदमी को बचाने के लिए हेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद हेक्टर उसे एक बैट से मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोबी के घर पर तोबी की माँ उसके लिए परेशान हो रही होती है, इसीलिए वो जय को घर पर बुलाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही पुलिस और डिटेक्टिव आए हुए थे क्योंकि तोबी को गायब हुए वहां से 3 दिन हो चुके थे लेकिन वो अभी तक घर लौट कर नहीं आया था, इसीलिए उसकी माँ ने ही पुलिस और डिटेक्टिव को इन्फॉर्म किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जय डिटेक्टिव एला से मिलता है। अब इसके बाद डिटेक्टिव तोबी की माँ से तोबी की डिटेल लेती है कि वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके दुश्मनों के बारे में भी पूछताछ होती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तोबी तो बस एक सिंपल लड़का है। यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि तोबी की असलियत उन्हें पता नहीं होती कि वो किस तरह के डेंजरस मिशन किया करता है। इसके बाद डिटेक्टिव जय से पूछती है कि तुमने तोबी को पिछली बार कब देखा था, जिस पर जय कहता है कि मैंने तोबी को पिछले 1 महीने से नहीं देखा। तब यहाँ पर वो डिटेक्टिव जय से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई की तरह थे, फिर तुम दोनों 1 महीने से आखिर क्यों नहीं मिले, जिस पर जय बताता है कि मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं तोबी से नहीं मिल पाया।
जिसको सुनने के बाद डिटेक्टिव वेला कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जय हेक्टर के घर के बाहर आता है और वहां लेटर बॉक्स से लेटर उठाता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए जय सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे चेक करने लगती है और ये सब कुछ हेक्टर अपनी खिड़की से देख रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जय को इंक्वायरी करने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर जय अपनी कहानी उस ऑफिसर को सुनाने लगता है, जिसे सुनने के बाद जय उस ऑफिसर को नॉर्मल आदमी लगता है, इसीलिए वो उसे सही सलामत छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जय और तोबी की माँ एक दूसरे से तोबी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब जय उन्हें वो लेटर दिखाता है। तब तोबी की माँ अगले दिन वो लेटर डिटेक्टिव को दिखाती है और हेक्टर के सीक्रेट रूम के बारे में बताने लगती है। इसके बाद डिटेक्टिव एला तोबी के फोन के लास्ट लोकेशन चेक करने लगती है, जो कि हेक्टर के घर की ही लोकेशन होती है। इसीलिए एला कुछ ऑफिसर के साथ हेक्टर के घर की तरफ जाने लगती है और हेक्टर के घर की चेकिंग करने लगती है। तब वहां पर वो बेसमेंट में कुछ अनलीगल चीजों को देखती है। इसके बाद अब वो सीक्रेट रूम से अंदर जाने लगती है, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं था। इसीलिए अब यहां पर हेक्टर एला को रिश्वत देने के लिए कहने लगता है और ऐसा सुनने के बाद एला उसे अरेस्ट कर लेती है। अब वहीं तोबी की मॉम को तोबी की एक पेन ड्राइव मिलती है, लेकिन उसका पासवर्ड उन्हें नहीं पता होता है। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं, जो कि उम्मीद नाम के लड़के को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन उम्मीद उसके लिए इनलीगल काम करने से मना कर देता है। तब हेक्टर उम्मीद को ड्रिंक के लिए अपने घर पर इन्वाइट करता है, जहाँ पर वो उम्मीद को अपने बचपन की सैड स्टोरी सुनाने लगता है, जिस पर वो लास्ट में उम्मीद से बताता है कि मैंने ये स्टोरी कुछ खास लोगों को ही सुनाई है। और ऐसा सुनने के बाद उम्मीद डर जाता है। इसके बाद वो अपना होश धीरे धीरे खोने लगता है, जिसकी वजह से वो यहां से भाग निकलता है और इसके बाद उसे तोबी की माँ बचा लेती है। अब अगले दिन उम्मीद को हेक्टर दिखता है, तब वो उम्मीद से अपने मामले का सेटलमेंट करने के लिए कहता है, जिसके बाद उम्मीद उसके कार में बैठ जाता है। वहीं तोबी की माँ डिटेक्टिव से मिलती है, जो कि एला को उम्मीद के बारे में बताने लगती है। अब एला उम्मीद का स्टेटमेंट लेने के लिए उसे बुलाने को कहती है, लेकिन उम्मीद का अब किसी को पता नहीं था। दूसरी तरफ हेक्टर उम्मीद का फोन चेक कर रहा होता है, तभी वहां पर वो तोबी की माँ का मैसेज देखता है। तब वो उसे फेसबुक पर भी सर्च करता है, तब वो वहां पर तोबी और उसकी माँ की फोटो देखता है। अब तोबी की माँ जय से मिलती है, अब वो उसे वही पेंटिंग दिखाती है जिसे इन दोनों ने मूवी के स्टार्ट में बनाया था, जिसे देखने के बाद जय हैरान हो जाता है। इसके बाद तोबी की माँ जय को कार में भी वही पेंट दिखाती है, तो जय इसके बारे में पूछता है। फिर तोबी की माँ जय को वही पेंट जूम करके दिखाने लगती है, जिसमें उन्हें जय का हाथ दिखाई देता है। तब जय एक्सेप्ट करता है कि उसने ही ये पेंट बनाया था। तब यहाँ पर तोबी की मॉम जय से उसकी हेल्प करने के लिए कहती हैं, लेकिन यहाँ पर जय अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए यहाँ पर काम करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से तोबी की मॉम अकेले ही हेक्टर के घर पर जाती हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, तो वो वहाँ से लौट कर आने लगती हैं, लेकिन तभी उनके पीछे हेक्टर पड़ जाता है और तोबी की माँ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लेजी को बेसमेंट में लेकर जाता है। यहाँ पर लेजी हेक्टर से तोबी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर एक्टर बताता है कि उसने तोबी को मार डाला है। और ऐसा सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक्टर उनके सामने एक बॉडी को काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जय को देखते हैं, जो कि तोबी की मॉम को ढूंढते हुए हेक्टर के घर के अंदर आ जाता है और वो बेसमेंट में चेक करता है, तो वहां पर कोई भी उसे नहीं मिलता। अब रात के टाइम जय अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तब यहां पर नाज जय से बोलती है कि कल एक स्कूल में किसी तरह का सेलिब्रेशन है, जिसमें हेक्टर भी आने वाला है। अब इसके बाद हम हेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने पार्टी से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे जय फॉलो कर रहा होता है और वो उसके पुराने घर तक पहुंच जाता है। अब वो हेक्टर के पीछे उसके घर के अंदर तक चला जाता है, जहां पर उसे वो पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर वहां से कैसे भी करके भाग निकलता है, लेकिन जय उसे फिर से ढूंढ लेता है, जिसके बाद इन दोनों में काफी तेज फाइट होती है। अब इसके बाद हम जय को दूसरी जगह पर देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर वही आदमी होता है जिसको बचाने के चक्कर में तोबी हेक्टर के हाथों से मारा गया था। अब यहाँ पर फाइनली जय उस आदमी को आजाद कर देता है और वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद वहां पर एला और ऑफिसर्स आते हैं, तब यहाँ पर एला हेक्टर की ऐसी हालात को देखकर काफी खुश होती है। इसके अलावा वो उसी दीवार पर पेंट भी देखती है, जो कि जय ने ही बनाया था, और शायद इसीलिए जय वहां से जाते टाइम तोबी को याद करके रो रहा था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।